नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ आर्टिकल 370 मूवी के स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है। सर, इनसे जानते हैं कि इनको बिहार में आकर कैसा लगा। कैसा लगा सर यहाँ पे बिहार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लोग ही हैं, ये जगह बहुत प्यारी है और सबने हमारा इतना प्यारे तरीके से हमारा आवभगत किया है और हमारी फिल्म देख रहे हैं और देखते रहें। मैं बस वही चाहूँगा कि बिहार के लोग जाएँ, सिनेमाघरों में जाएँ और आर्टिकल 370 देखें। असली घटनाओं पर आधारित फिल्म है और इसका हिस्सा बनने से मुझे खुशी तो मिली और मैं क्या कहते हैं गर्वित भी महसूस कर रहा हूँ। बॉलीवुड में कई तरह की मूवीज आती हैं, अभी देखा जा रहा है अलग अलग मूवीज आती हैं, मतलब कि फीचर्स पर भी आती है, लेकिन इसके अलावा जब 370 मूवी आया तो इसमें कई ट्रू इवेंट्स भी बताए गए हैं और कुछ चीज़ें भी बताई गई, लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में भी लोग गए हैं कि नहीं, ये मूवी नहीं रिलीज़ होनी चाहिए। तो इसको जनता है, उन्होंने तो फिल्म को सक्सेसफुल बना दिया है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बात है। और लोग जानते हैं कि 370 हटना कितना ज़्यादा ज़रूरी था लोगों के लिए भी और कश्मीर के लिए, स्पेशली कश्मीर का डेवलपमेंट होना और उसका जो फ़र्क है वो आप अगर कश्मीर अगर विजिट करोगे तो दिख जाएगा। कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 बहुत ही एपी सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम और वो सब चीज़ें अभी आपको अलग कश्मीर कर रहा है। शूटिंग कुछ ऐसी घटना घटी जब फिल्म शूट हो रहा था? बहुत ही अच्छा था, कश्मीर हैज़ बीन ऑलवेज अमेजिंग टू शूट। बहुत ही हमें कॉपरेशन मिला लोकल कश्मीर से, बहुत प्यार मिला और बेहतरीन तरीके से फिल्म शूट करने को मिला कश्मीर में, श्रीनगर में। कोई दिक्कतें कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया था। सबके साथ सबके पूरा का पूरा जो स्टार कास्ट था बहुत बेहतरीन था, मज़ा आया। तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना था? काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों को बिहार में आकर और काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।